हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सर, लास्ट क्लास में प्रोपोजिशन का जो भी थ्योरी पार्ट था वो खत्म किया था। उसका प्रॉपर्टीज पढ़े थे हम लोग, उसके बारे में जाने थे क्या है। आज उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए आगे एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। पहले आज का पहला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का ही है। ये एक्सरसाइज, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल, 4, 6 और 8, मतलब डी पूछ रहा है क्या है आपसे। क्या हो जाएगा? 4 बाई 6 इक्वल टू 8 बाई डी, और डी इधर गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 बाई 8 बाई 4, और इसको मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 6 डिवाइडेड 4, 12। क्या आंसर आ जाएगा? 12। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड प्रोपोर्शनल 12, 13 इज डैश। नेक्स्ट क्या होगा? ये क्या है? कंटिन्यूअस वाले आ गया। ये जनरल था, ये कंटिन्यूअस में आ गया। मतलब आपसे थर्ड पूछ रहा है, 12, 18 डैश, मतलब ए बाई बी, बी बाई सी, ये पूछ रहा आपसे। तो 12 बाई 18 इजकल टू 18 बाई सी, सी के 18 इंटू 18, 12 इजकल टू सी, ये हो जाएगा 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12। क्या आ जाएगा? 27। ओके, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 28 और 25 और 81 का, मतलब मीन, मतलब क्या हो गया? 2 बाई बी 81, मतलब ये वाला पूछ रहा है मीन। क्या होता है इसका फॉर्मूला? B² बाई AC, तो ये इधर कर दो, AC इजकल टू B, ये हो जाएगा ये ना इसका फॉर्मूला। तो आप बताइए, B√25 × 81, अगर इसको निकाल रहे हैं, 25 × 81 √9, B कितना है? 9, ऑप्शन 9 नहीं है। 25, 30 B² 1 मिनट आंसर देख लेते हैं, नॉन ऑफ दीज होना चाहिए, 3 का C है। 1 मिनट चेक कर लेते क्या गलती हो रही है। मीन प्रोपोर्शनल सही तो है, 81, 21 × 81 √ 9 हो रहा है, 5 × 9 45, सॉरी सॉरी 45 हो जाएगा, 45। ओके, 25 × 81 √5 × 81 = √45, 45 आंसर होगा। सॉरी, ओके, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर विच हैज सेम रेशियो 26 हैज टू 6 to 13, मतलब 20 एक कोई नंबर है, x/26 तो ये है, मतलब ये पूछ रहा है द नंबर विच सेम रेशियो टू 26 डैट 6/13, मतलब इसके इक्वल है। इसका निकाल लीजिए आप, क्या हो जाएगा? x = 26 × 6/13, 12। 12 आंसर है, नहीं है, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज ही होगा। चलिए ठीक है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2a² c, मतलब ये पूछ रहा आपसे, 2a² c/d, x मान लीजिए c/d, x आपसे पूछ रहा है, c² / 2a, एक a एक गया, ca/2 है, ac/2 ये ऑप्शन,
इट्स ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग भी सॉल्व करोगे साथ में, आप पहले बना के आइएगा, चेक करिएगा, पहले पहले आप खुद प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा आप यहां से समझिए, ओके? प्लीज आप पहले प्रैक्टिस करके आया करिए, नहीं करके आए हैं तो अभी देखिए यहाँ क्या इसे सॉल्व हो रहा है। इफ द फोर्थ नंबर 1/2, 1/3, ठीक है देख लेते हैं, 1/2, 1/3, ठीक है, इक्वल टू 1/5, 1/x, इसको रेसिप्रोकल कर दे ये वाले डिजिट को, 1/2, 3/1, 1/5 × x/1 क्या हो जाएगा, 3/2 × 5/x, 15/2 x का 15/2 सी आंसर, इट्स ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मीन प्रोपोर्शन मतलब 12x² व्हाट द बी 27ay² यही है क्वेश्चन, बी का फॉर्मूला होता है रूट ए सी, ये बताए थे 12x² × 27y² हो जाएगा ये, अगर इसको आप निकाल रहे हो इसमें से एक्स वाई कॉमन हो जाएगा 12 × 27, और इसको आसान बनाना है 4 × 3 × 3 इंटू थ्री थ्री हो गया, इसको ब्रेक कर दिए, इसमें से 2 कॉमन आ गया, इसमें से 9 कॉमन आ गया, एक्स वाई 18xy ये आंसर, ओके नो इशू, यहाँ तक चले आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लीज आप लोग सॉल्व करके आया करिए पहले, इसके बाद आप यहाँ से बनाइए, आपको समझ में भी आएगा क्या गलती कर रहे हैं हम, ओके? कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप पहले देखिए क्या समझ में गलती हो रही है हमसे, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, a/b सॉरी a = b/2, ओके a = b/2, ओके c/5, ओके पूछ रहा है a b = c, एक चीज बताइए मुझे, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आपको पता है इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा c, क्यों? 1 यहाँ ले दीजिए, 1:2:3, अरे आप मान लीजिए ये x मान के चलिएगा तो लेंदी है, यहाँ 1 मान लीजिए, लेट्स 1 a/1:1 तो a1, b/2:1 तो b2, c/5 = 1 c5, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 1:2:5 दैट्स आंसर, ओके यहाँ तो कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है ये भी, कोई बात नहीं देखते हैं सॉल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन है तो भी क्या, देखिए 9 क्वेश्चन, a/3 b/4 c/7 क्वेश्चन पूछ रहा है a + b + c बाय डायरेक्ट निकाल सकते 3 + 4 = 7/7 को प्लस करिए 2 आंसर, ओके यहाँ तो कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सेम लग रहा है, देखते हैं क्या है। पी बाई क्यू आर बाई एस 2.5 बाई 1.5। ओके क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एस इक्वल टू क्यू आर। ओके नो इशू, ये सब इक्वल है तो पी बाई क्यू का वैल्यू 2:5 हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा, आर का वैल्यू भी सेम हो जाएगा, आर एस का आर बाई एस का 2:2.5 1.5। अब पी एस की जगह वैल्यू पुट कर दे 2.5 इंटू 1.5:2, क्यू के जगह 1.5, आर के जगह 2.5, ये कट गया, ये कट गया, 1:1 आंसर। कुछ था कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन ही ये भी है, देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं, एक्स वाई जेड डब्लू, एक्स वाई इक्वल टू जेड डब्लू, सेम यही है 2.1, ये एक्स वाई इक्वल टू ये हो जाएगा, जेड बाई डब्लू ये हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, जेड प्लस वाई प्लस डब्लू यही पूछ रहा है ना, 2.5 प्लस 1.5, 2.5 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा, 4, 4, 1 आंसर है। पूछे यहाँ क्वेश्चन में 1, एक मिनट चेक करने दो दोस्त, मुझे इशू लग रहा है। ओह हो, सॉरी सॉरी, मैं दूसरे बेस पे बना दिया, सॉरी। 5/3 होगा इसका आंसर, भाई एक्स प्लस जेड बोल रहा है ना, एक्स प्लस जेड बोल रहा है, 2.5 प्लस 2.5 एक्स और वाई ये बोल रहा है, 1.5 प्लस 1.5 5/3 आंसर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा। ओके कोई इशू, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई ठीक है, नो इशू, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। 5x माइनस 3y, 5y माइनस 3x, 3/4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे 20x, 12y, 15y, 9x, ठीक, 20x प्लस 9x, 15y प्लस 12y, 29x, 27y, x by y, 27y, 29 आंसर है, नहीं है, ठीक हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। If a by b 3:2, b by c 3:5, भाई ऐसा क्वेश्चन आप रेशियो में भी सॉल्व किए हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा आप ही बताइए। 9/6 आ जाएगा, 6/10 आ जाएगा, 6/6 कॉमन हो रहा है तो 9/6:10 हो जाएगा, ये आंसर। ओके कोई सुन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये सब आप सॉल्व कर चुके हैं ना क्वेश्चन, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स बाई टू, वाई बाई थ्री, जेड बाई सेवन। अब इस क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू एक्स माइनस फाइव वाई प्लस फोर जेड टू वाई। सिंपल है भाई, वैल्यू पुट कर दे, फोर हो जाएगा टू इंटू टू, एक्स की जगह माइनस फिफ्टीन, फाइव इंटू थ्री प्लस 28, सिक्स कर दो माइनस 32, माइनस 15 डिवाइड 28, 32 माइनस 15 डिवाइडेड 6, क्या आ रहा है 17 बाई 6 आ जाए आंसर। ये आंसर डी है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्स वाई टू इज टू थ्री, ठीक है, एक्स वाई टू इज टू थ्री। ओके, नेक्स्ट चलते हैं वाई जेड फोर इज टू थ्री, सेम फोर इज टू थ्री, फोर से मल्टीप्लाई, थ्री से मल्टीप्लाई, एट 12, 12 बाई 15 कॉमन, 8, 12, 15, 8, 12, 15, 15 कट गया आंसर। ओके, कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, डिवीजन ऑफ 750 इंटू थ्री पार्ट्स, 4 इज टू 5 इज टू 6, ठीक है, 750 को तीन पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक, ए में, बी में और सी में। उसका रेशियो दिया है 4 प्लस 4 इज टू 5 इज टू 6, इसको प्लस कर दे, टोटल कर दे, क्या हो जाएगा 16, यही होगा ना, 956, सॉरी 15, 15 हो जाएगा, जिसका निकालना है 15 इंटू 750 हो जाएगा, यहाँ यही होगा ना, और बताइए कितना, 5, 15, 750, 6, 15, 750, क्या हो जाएगा 200, 200 किस किस में है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आंसर होगा, ये क्या दे दिया पता नहीं, ये दोनों में से ही कुछ होगा नहीं, देख लेते हैं आगे क्या है। 750 आ रहा, 250 हो जाएगा, 50, 300 ये ऑप्शन। ओके चले नेक्स्ट, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ एज थ्री पर्सन इज, तीन पर्सन का एज सम 150 है, 10 ईयर एगो देयर वेयर द रेशियो, 10 साल एगो तीन पर्सन का सम क्या हो, ये पूछ रहा है ना। एक चीज बताइए, ए और बी दो बंदा है, उसका एज 26 ईयर है, इसका 24 है, एक्चुअली बताइए 10 साल पहले कितने साल का होगा, 16, ये कितना होगा 14, क्या हो रहा है दोनों में से कम, टोटल कितना हो रहा है यहाँ, 26 प्लस 24 50, यहाँ जोड़िए कितना हो रहा, 16 प्लस 24 30, 20 ईयर का गैप हो रहा है, आप यहाँ पर क्या करते, 140 बोलते, 10 साल कम हो रहा, तीन पर्सन के मिला के 10 10 हो रहा है, मतलब 30 कम रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 इसका भी कम रहा है, 10 इसका भी कम रहा है, तो 20 कम रहा है, समझो क्वेश्चन ये कह रहा था, क्या हो जाएगा, तीन
10 साल पहले तीनों का रेशियो जोड़ने पर 120, यहां तो कोई दिक्कत। चलिए ये क्वेश्चन का था, 120 का 120 का रेशियो दिया हुआ है 7:8:9, इसको टोटल करेंगे 24 हो जाएगा। अब 7:24 × 120, 8:24 × 120, 9:24 × 120। अब एक चीज बताइए, हम इसको कैलसी पर करें एक बार में सबका आंसर आ जाए। 7 + 8 + 9, इसको मेमोरी प्लस कर ले, मेमोरी प्लस कितना है टोटल 120 डिवाइड मेमोरी रिकवर MRC 24। अब क्या करें 7, ये दोनों तो कॉमन है ना भाई, कॉमन है। अब इंटू सेवन कर दिए क्या आ गया देखो, ये कितना है 5 आ रहा है भाई। चलो फिर से देखो 7 + 8 + 9 मेमोरी प्लस 24 120 डिवाइडेड मेमोरी रिकवर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। डिवाइड 24 120 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 35। अब इंटू नहीं दबाना है, सिर्फ 8 दबाना है, 8 × 40 9 इक्वल टू 45 आ रहा है, ये आ रहा है। अब चलिए आगे करते हैं, देखते हैं यहाँ तक दे आर प्रजेंट एज, मतलब अभी का एज क्या होगा, तो सब में 10 प्लस कर देंगे तो 45 50 55 है आंसर 40 50, ये सब तो होगा नहीं। ओके यहाँ तक समझ में आ गया कैलसी से भी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, मतलब ये नहीं है प्रोपोर्शन में, क्यों नहीं है, फोर्थ टर्म के कारण, मतलब इसके कारण ये प्रोपोर्शन में नहीं है, दे विल बी प्रोपोर्शन, मतलब क्या यहाँ डाले कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। अब एक चीज बताइए, 14/16 35/x ये क्या है, गलत है ना, यहाँ पर x ले लेते हैं। अब एक चीज बताइए, 14/16 0.87 आ रहा है, आप यहाँ MC इससे भी जा सकते हैं ऑप्शन से। अब मान लीजिए 35 डिवाइडेड बाई 45 क्या हो रहा है, 0.77 आ रहा है, नहीं होगा, गलत। देखते हैं 35 डिवाइडेड बाई 40 क्या आ रहा है, 0.87 ये आ रहा है इक्वल, तो यहाँ पर 40 होगा, दैट विल आंसर। इसको एक्स मान के भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना सकते हैं, 35 × 60 / 40 एक्स का वैल्यू आ जाएगा, देखिए 35 × 16 / 14 क्या आंसर आ जाएगा, 40 आ गया आंसर। आप उस तरीके से निकाल सकते हैं, ओके यहाँ तो कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके चलो भाई पावर लाओ, जोश लाओ यार, क्या यार एनर्जेटिक रहो यार, तो मजे से पढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, x by y z by w इम्प्लाइड y by x w by z, मतलब क्या हो रहा है, अच्छा रेसिप्रोकल हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इन्वर्टेंडो हो रहा है ना, रेसिप्रोकल इन्वर्टेंडो मतलब पलट देते थे, याद है, यहाँ पर देख लीजिए आप, इन्वर्टेंडो मतलब क्या हो रहा है, देखो PQ आ रहा है, यही आ रहा है ना, इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्टेंडो है नहीं ऑप्शन में, नॉन ऑफ दीज, PQ RS
implied P minus R Q minus S क्या हो रहा है यार, इसको इसमें से माइनस करें इसको, मतलब सब्ट्रैक्टो हेंडो हेंडो सब्ट्रैक्ट हेंडो, ये हो रहा है ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत, ये सब प्रॉपर्टीज है जो आप पढ़े हैं अभी लास्ट लेक्चर में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, क्या देखते हैं इम्प्लाइड ए प्लस बी ए माइनस बी ओके इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस डी, कंपाउंडो एंड डिविडेंडो, कंपाउंडो एंड डिविडेंडो क्या हो रहा है, ये पढ़े थे ना यहाँ कंपाउंडो एंड डिविडेंडो लास्ट रूल। क्या देखिए ए टू ये कंपाउंडो एंड डिविडेंडो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू बाई वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी देन यू माइनस वी यू प्लस वी डब्ल्यू माइनस पी डब्ल्यू प्लस पी, हाँ ये है ये क्या हो, ये डिविडेंडो और कंपाउंडो का रूल, ऐसा तो पढ़े नहीं थे हम उल्टा, मतलब नन ऑफ देज है आंसर, नन ऑफ देज हो जाएगा भाई, इनवेंडो में इनवर्स हो जाता है, एडेंडो में अल्टरनेंडो में उलट देते हैं, एडेंडो में ऐड करते हैं, बट इसमें तो है ही नहीं, ये ऑप्शन कभी पढ़े ही नहीं है, ये डिविडेंडो एंड कंपाउंडो कभी पढ़े ही नहीं थे हम, कंपाउंडो एंड डिविडेंडो पढ़े थे ना प्रॉपर्टीज में, तो ये ऑप्शन नन ऑफ देज हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्या है देखते हैं। ट्वेल्व सिक्सटीन स्टार ट्वेंटी प्रोपोर्शन स्टार का पूछ रहा है, बाय ट्वेल्व बाई सिक्सटीन स्टार ट्वेंटी ट्वेल्व बाई ट्वेंटी सिक्सटीन स्टार ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी डिवाइडेड सिक्सटीन फिफ्टीन आंसर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो सिंपल है आंसर दोस्तों, कोई हैवी नहीं है इस क्वेश्चनों में। ओके क्या है फोर सेम क्वेश्चन है स्टार नाइन, ये है इसको हम 13.5 लिख सकते हैं सिंपल, फोर बाय स्टार नाइन बाय 13.5 फोर 13.5 डिवाइडेड बाई नाइन, एक्स का वैल्यू है स्टार का वैल्यू या एक्स मान लो, तो फोर इंटू 13.5 डिवाइडेड नाइन सिक्स आंसर। इट्स सिंपल ओके कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.4 ग्राम एंड फिफ्ट मीन ग्राफ 1.4 ग्राम बी 5.6 ग्राम क्या होता है, ए सी 1.4 इंटू 5.6 1.4 इंटू 5.6 1.4 इंटू 5.6 इक्वल टू रूट 2.8 आंसर है 2.8 ग्राम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में बच्चों, देखो ध्यान से, ए फोर बी फाइव ऐसा क्वेश्चन कितना सॉल्व कर चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी क्या हो जाएगा बता दो आप ही, फोर प्लस फाइव प्लस नाइन बाई फाइव सी है ना नाइन सॉरी नाइन आ जाएगा 18 नाइन टू आंसर है प्लस करके नेक्स्ट पर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. टू नंबर आर इन रेशियो 3/4. ओके, इफ एडेड 6, मतलब 6 ऐड करने के बाद न्यू रेशियो 4/5 बनता है. तो मान लेते हैं x 3 + 6, x प्लस सिक्स कितना ऐड करने पर कितना है ये पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, 15x, 30, 16x, 24, ये इधर आ जाएगा माइनस एक्स, ये इधर चला जाए माइनस सिक्स, माइनस माइनस गया, x इक्वल टू 6. क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, नेक्स्ट न्यू रेशियो क्या हो जाएगा x के जगह 6, 18 + 6, 24 + 6 हो जाएगा आपको 24/30, 24/30 हो जाएगा, 24/30, 6/5, 6:5. The term R. The answer. 1 minute. I had it. 6. एटीन में फोर्टीन में ऐड करने पर ये रेशियो आएगा ना, ये पूछ रहा है. सॉरी, द नंबर, क्या नंबर ऐड करने पर ये आएगा, 18/16, यहाँ तक जाना ही नहीं है. एटीन बाई ट्वेंटी फोर. ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ए बाई फोर बी बाई फाइव, ठीक है, देन ए माइनस बी बी प्लस फाइव, ये होगा ही नहीं, गलत है, ये कंपाउंडो एंड डिविडेंडो का रूल है, ये भी नहीं है, गलत है, नन ऑफ दिस होगा नहीं, यही सही है. चलिए यहाँ देखते हैं, ए बाई बी 4/1, रूट बी बाई ए 4/1, 4 / 4 / 1 √2 = √2 मेमोरी प्लस 1/4 √2 + मेमोरी रिकवर = 2.5 इसको 25/10 इसको लिख सकते हैं 5/2 आंसर है 5/2. लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन. लिस्ट, देखो बच्चों ये क्वेश्चन घबराना मत, देखिए इसको दो तरीके से बनाएंगे आपको, एक विद इन सेकेंड में बन जाएगा, अभी बता रहा हूँ आपको. क्वेश्चन पूछ क्या रहा, ये क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी आप कुछ भी मान रहे हो, वन मान लो, 15 मान लो, 16 मान लो, 17 मान लो, एज योर विश, अब जितना बड़ा अंक मानोगे उतना आपको लेंदी पड़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एक मान के बनाते हैं, ठीक. तो क्या हो जाएगा, एक्स 1 - 1, ठीक है, इक्वल टू वाई 1 + 1 - 1 इक्वल टू जेड 1 + 1 - 1, एक ये गया, एक ये क्या हो रहा है, एक्स 1 हो रहा है, वाई 1 हो रहा है, जेड 1 हो रहा है, इसके जगह वैल्यू पुट कर दें, 1 - 1 × 1 + 1 - 1 + 1 - 1 जेड का वैल्यू क्या हो रहा है, कट करके 0 को 0, 0 + 0 = 0, आंसर विल 0. और दूसरी बात,
अगर आप मान लीजिए ये हो, सॉरी सर्कल निकल पाए, ये बता रहा हूँ, देखो ए बी सी क्या हो रहा है, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, मतलब क्या हो रहा है, ए पे आ रहा है, ए पे ये आ रहा है घूम के, बी पे आ रहा है घूम के, सी फिर ए पे जा रहा है घूम के, बी के बाद सी, मतलब क्या हो रहा है, चल रहा है सर्कुलर, मतलब इसको हम साइकिलिंग रूल ऑर्डर कर सकते हैं, साइकिलिंग ऑर्डर की तरह चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इस पर से इस पे आ रहा है, इस पर से इस पे आ रहा है, इस पर से इस पर, माइनस अगर वन प्लस इसको इसको करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू तो जीरो ही होगा ना, नच के आ रहा है, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा इसका आंसर, इट्स ओके, है तो कोई इशू, चले अब तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, अब बताओ दोस्तों, लो समझ में आ गया ना, तो कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्लास में इंडेक्स से चालू करेंगे, आप लोग उसको थोड़ा पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा क्या होता है नहीं होता, फिर आप उस पर बातें करेंगे हम लोग, ओके, और इसको जो समझ में नहीं आया उसको रिपीट में देखिएगा एक बार, और जो बैक क्लास सब नहीं देखे उसको भी फिर से देखिए आप, ओके, थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, और ये सब सबको चैनल को फैलाइए, सब दोस्तों को बताइए, ओके, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।